मुझे स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। सुबह 4 बजे चाहे कुछ हो जाए, हम ग्राउंड में होते थे। मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट था, मुझे ये था कि मैं इसको बहुत आगे लेकर जाऊंगा। तो दिन रात तरह तरह के शॉट्स प्रैक्टिस करने, डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीज़ें उस समय चलती थी। पर धीरे धीरे जैसे पढ़ाई में बिजी होते गए, एमबीए के बाद जॉब्स में बिजी हो गया, बट मैंने अपनी जो हेल्थ फिटनेस जो मैंने वहाँ से सीखी उसको मैंने कंटिन्यू किया। हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो परनाना जी थे, वो वैद्य थे, सो बुज़ुर्गों से बहुत कुछ मैं सीखता रहा। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हमारी नेक्स्ट जनरेशन को। मेरा जो हेल्थ और फिटनेस का शौक था वो एक मेरा पैशन है। मुझे लगता है अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो फिर पैसे का, किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन मैं एक बार एलोवेरा यूज़ करने के लिए कहीं मार्केट में घूम रहा तो मेरे एक फ्रेंड थे मेरे साथ, वो कहते थे आपको इतनी नॉलेज है तो एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, जब आपने एलोवेरा यूज़ करना ही है तो एक अमेरिका का आता है एलोवेरा। तो मैं एकदम फैसिनेट हुआ कि वाओ, मेरा इंटरेस्ट बना। मैंने उनसे पूछा उसके बारे में, थोड़ा और डिटेल जो है मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा की, मैंने ढूंढना शुरू किया। फिर एक कॉन्टैक्ट में नंदा जी आए, उनसे बात हुई, तो धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट। मैंने इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया, पता ही नहीं चला कुछ महीने बीत गए, ये प्रोडक्ट्स मेरा लाइफस्टाइल बन गया। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, वो मैंने अपनी डेली लाइफ में उनको अपने साथ कैरी करना शुरू कर दिया। तो मुझे भी ये होता था कि हम मेहनत कर ही रहे तो क्यों ना कुछ अपने लिए करें। मैंने इसको एज ए बिजनेस शुरू कर दिया। मैंने टीम में भी प्रोफेशनल्स ज्वाइन कराए। मेरी टीम में अच्छे अच्छे MBAs, अच्छे अच्छे कारपोरेट के लोग, ब्रांच मैनेजर, जोनल मैनेजर, अच्छे अच्छे लेवल के लोग आए। ग्रोथ होना शुरू हो गई। धीरे धीरे मैं सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर बन गया। और सपना वही था कि मैं अपनी टीम्स को भी बहुत अच्छी ग्रोथ दूँ। और मैंने टीम को प्रॉमिस किया था कि जब मेरी ग्रोथ होगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गिफ्ट दूंगा एक ऑफिस, फिर मैं अपना घर बनाऊंगा। तो मैंने एक ऑफिस बनाया, उसको एक ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। लोग वहां पे आते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, और आज मेरी टीम में भी आप देखेंगे बड़ी ही अच्छी ग्रोथ है लोगों की। और धीरे धीरे मैंने टीम्स की हेल्प करना शुरू करी, उनको सारी ट्रेनिंग्स जो हमें MBA में सिखाते थे। आज अगर आप देखेंगे तो वो धीरे धीरे ट्रेनिंग्स लेते 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 प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, तो वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर गए, मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बने, सोरिंग मैनेजर बने। अब मैं जब बैठता हूँ, खाना खाता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने जो इतनी मेहनत करके मुझे सिखाया, मुझे पढ़ाया, उस पढ़ाई की वैल्यू सिर्फ मेरे काम नहीं आ रही, वो हज़ारों लोगों के काम आ रही। तो मेरा सपना था कि अब पेरेंट्स को मैं भी घर बना के दिखाऊँ, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, इवन थर्ड फ्लोर पे भी काफ़ी सारे प्लांट्स। तो यहाँ खाली हमें लाइफ नहीं मिलती, इस घर में हज़ारों पौधे हैं, बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, चिड़िया हैं, बहुत कुछ है। तो सारी चीज़ों की है ना यहाँ लाइफ साइकिल जो है वो चलती है। तो आई फील ब्लेस्ड। ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि सभी लोग प्लांटेशन की तरफ भी थोड़ा समय निकालें, दूसरों की मदद करें, लर्निंग मोड में रहें, ताकि आप भी कुछ बड़ा कर पाएं। मैं लोगों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने में उनकी मदद करता हूँ। मैं हूँ फॉरएवर।